अलावा अगर हमका वरदान दीन चाहते हो तो ना हम दिनमा मरे न रात मरे न घरमा मरे न बाहर मरे न नरसे मरे न सिंह से मरे न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे। भोले बाबा जौन कुछ कहा चले गए भोले बाबा सब ये उमस्त ये उमस्त ये उमस्त सब भोले बाबा कहते चले गए। जब सब भोले बाबा कहते चले गए तो आखिरी में है भोले बाबा से कहा लग महाराज सब दे दियो। भोले बाबा ने कहा सब दे दिया। अब विचार किया ना दिनमा मरम न रात मरम न घरमा मरम न बाहर मरब न आस्ता से मरम न शस्त्र से मरब न नरसे मरम न सिंह से मरब तो मारी को तो हमारा समझाओ ए करे वाह और देखो कितना बैठ है खबर डोड़ा खाए खाए बटाने हो। ए भैया दुनिया में हर चीज भूल जायो लेकिन याक चीज से बिल्कुल सतर्क रहो। याक चीज जिंदगी में यको मिनन न भूलो। कौन राम भजन से चौकस रहना यक दिन चोरवा आएंगे राम भजन से चौकस रहना यक दिन चोरवा आएंगे काल तमल तलवार तमल जाना बंदूक चलाएंगे से मतलब ना की हंस पकड़ ले जावेंगे सब चीज से ने सतर्क ना रहो लेकिन भगवान के रे भजन से ने कबहू ढील ना रहो क्योंकि मौत ही तो यूं नहीं कहे कि अगर बत्ती लगा लो तब ले चला भा। हाँ 3 घंटा के यार पेपर होते हैं चाहे उमा काखा गाघा लिखो और चाहे सब सैरे लिख दो चाहे ईलू ईलू लिख दो 3 घंटा बाद मास्टर साहेब तुम्हारे पेपर ले लिया जो लिखे वही हो वही हिसाब से ने तुमका रिजल्ट दे दिया है। सब चीज भूल जाओ लेकिन मौत राह न देखी आई ले गए। हिरणा कश्यप विचार किया कि तो अमर समझाओ आ गया अपनी नगरी में ढिंढोरा बजवा दिया ए ए हट आ गया अपनी नगरी में लड़का हायो फिर बहुत कामयाब है और कोई दिन देखियो आबादी खूब बाढ़ी ये लड़का सब हमका मने है खूब यो हमका मालूम है और लड़का ने बल पर यह कथा होता है। बच्चा बच्चा जहां हम देखे थे नहाय जो कोई कथा बंधा है हमार लड़का बड़ा परेशान है कि कथा वह न हो तो लड़का जब जिद दिखाई देते हैं तो वो तो काम होबे करी। ती संतीने हट है बाल हट राजा हट नारी हट बाल हट लड़कन क्या जो हट। एक कार्यक्रम गुजरात में बुक हुआ है तो इज्जत जहे समय उनका लड़के कथा बंद हो इसे एक कोई लड़का है बहुत लड़का होता ही नहीं बहुत पैसा वाले के कहूँ बहुत लड़का हुई है एक वाधा भवा कहो एको वाधा न हो कहो आग चढ़ी बढ़ी बिटे वही हो गलत बतावा। लड़का तो होते हैं गरीबन के रे है ना। कोई कोई आदमी ऐसा है जो संपत्ति मारे तंग है कि कोई रखैया नहीं और कोई कोई संपत्ति खातिन तंग है यार भैया कहा करे भी हो आवन नहीं बात है कि नहीं है। तो लड़कन का हट बड़ा खराब बाल हट बच्चों का हट बहुत खराब हो। एक कहानी सुना दे एक लड़का रात में सोवे और सोते सोवे लड़का उठ के बैठगा और चिल्ला लागू कवाएगा कि हम घोड़वा पर बैठन तब वो चिल्ला ला घोड़ा 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 जब घड़वा घड़वा चिल्लाए लाग अहिया के लड़का सबसे ज्यादा खात कहाँ है यहाँ के लड़का कहाँ खाते हैं मालूम
कहाँ खाते हैं? गुब्बारा खाते हैं, गुब्बारा खाते। अब गुब्बारा में पैसा लागत नहीं, गुब्बारा मिलते कहे से है? बारंस मिलते है। हाँ बताओ, पहले बार कोई कामे के नहीं रहे, अब बारह बिकऊ है। वह में है थोड़े गैया भैंसी कर गबड़ दी चले जी हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लड़का सोते सोव चिल्लाए पर घुआड़ा घुआड़ा घुआड़ा। अब मम्मी ये लड़का रोते सोते सोवत एकदम से उठ के बैठ जाए और चिल्लाए लगा तो माता पिता से पूछो दिल पर का बीतत। खूब मम्मी छुपवावे लागी लेकिन लड़का नहीं छुपान। और जब लड़का नहीं छुपा, जब नहीं उपाय चलता तो दुआरे जाती। तब कहती उठो लौंडा फिहान जा तुम बरिगा सुसुवाती हो परे। तो वही आए तो लेहन कन्या लौंडा खड़े घड़वा चिल्लाए तो पापा बकावे ला कहला भैया अई भैया ऊ जा बाजारिया में जाती है चाल्हा। इस सैद पर चौराहे पर होटल खुला मिली सेवाए अमीनाबादम। अब लड़का से कहते बदरे में चौमिन बिका थे, लड़का छुपावे नहीं किन। तो पत्नी कहला कि एक काम करो, लौंडा छुपाई है ही नहीं, लौंडा गवा है सगमा में यहाँ आए गवा। तो कहें तो कहने एक काम करो, अब कोई दयाखत है नहीं। अब लड़का खैर मामला है तो एक काम करो, अब कमेड़ा हम बंद करें तनिक देर, तुम है जाओ घोड़ावा बने। तो बच्चे कहीं छुपवावे खातिर पापा भैया भैया बन गए घोड़वा। अब अंगनई में लग रहा खड़ंजा मार गांठी गई छोली लड़कौन लेन बैठी चार चक्कर घूमे कहला पापा मम्मी घोड़ा कहें तो घोड़ा ला दियो, अब लाओ कुआड़ा। तो कुआड़ा दे दी भैया चबुका और चार छह चक्कर घूमे कहला मम्मी घोड़ा कहें तो घोड़ा ला दियो, कुआड़ा कहें तो कुआड़ा ला दियो। मम्मी अब एक काम करो, अब तुम हो बैठो। तो मम्मी कहला कि हम नहीं बैठब। तो कहला तो हम रोवे लागब। मम्मी कहा लगी अब तुम बैठब है नहीं। अच्छा मम्मी का है नहीं बैठती मालूम कमी रहे, क्योंकि घोड़ऊ रहे 32 किलो के और मम्मी रहे 74 किलो केरी, तो घोड़ऊ के गुड़िया ढीले हो जाते। यह बात रहे भैया। तो सुनो बच्चर क्या रहट, ए आ गया हिरणा कश्यप अपनी राजधानी में ढिंढोरा बजा दिया। ढिंढोरा बजा करके कहा कोई मेरे राज में वो दुश्मन का नाम नहीं लेगा जिसने मेरे भाई को मार डाला, कोई नाम लेगा जिंदा गड़वा दिया जाएगा, आंखें निकलवा ली जाएंगी। जितना करिया पेरवाडा इस राला उधर बप्पा कहीं ये ऐलान कर दिया। भैया बाबा बाबा सब बेचारे माला जपाए तो लुक के कोई नाम नहीं ले। साधु संत साफ सन्नाटे, मंदिर मंदिर सब गायब। भैया भगवान बिना सुन लो भाई सुंदर सग सोनी सगरी रज धानी थी। कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता है, सारी राजगद्दी सारी राज उसकी सोनी है, भगवान का भजन कोई नहीं कर सकता। उस समय की कहानी कि हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी इसका नाम था कयाधु। कयाधु माताजी गर्भवती थी भैया।
कयाधु मैया गर्भ धारण की अपने महल में रहती है। देवता सब स्वर्ग में परेशान, अब क्या किया जाए। इंद्र ने विचार किया, एक काम करी, हम वज्र बाण मारी, एक हिरण्यकश्यप मारे नहीं मर रहा है, और हिरण्यकश्यप क्या हो ही हिरण्यकश्यप हुई, हिरण्यकश्यप का ही हिरण्यकश्यप होगा। तो इंद्र ने विचार किया कि हमारा मन कहता है देवी का गर्भ जला करके गर्भपात कर दिया जाए। तो इंद्र ने वज्र उठाया और जैसे इंद्र वज्र मारने चला, ब्रह्मलोक से देव ऋषि नारद ने देखा, दौड़ करके नारद आ गए। इतने में नारद आ पहुंचे, बोले राजन क्या करते हो, इतने में नारद वहां पहुंचे, बोले राजन क्या करते हो, सबसे है बड़ा पाप बाल वध का, क्यों घोर नरक में पड़ते हो। नारद आ गए दौड़कर, नारद बाबा ने डांटा इंद्र को, ए नारेंद्र। हाँ नारद जी, देखो कहीं वज्र बाण मत छोड़ देना, बाल वध से बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं, अगर दुनिया में पाप है तो सिर्फ बाल वध। खूब लड़ाई करो, पड़ोसी खूब लड़ाओ, लेकिन भैया किसी से किसी के बच्चे से दुश्मनी मत अदा करना, किसी के लड़का से दुश्मनी अदा करना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। कंस का वध भगवान श्री कृष्ण करते नहीं, लेकिन उसने देवकी के 6 बालक बाल वध किया था। महाभारत में 56 करोड़ यादव मार डाले गए, दुर्योधन नहीं मारा गया था, लेकिन जब द्रौपदी के 5 बेटों को दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा के द्वारा मरवा दिया, तब दुर्योधन का पाप का घड़ा भर गया, तो भीम ने उसको मार डाला था। बड़ी लंबी कथा है। तो बाल वध सबसे बड़ा पाप है भैया। नारद जी ने समझाया, देखो इस बेटे के, इस गर्भ के ऊपर आप बाण नहीं छोड़ोगे, क्यों का कोई जरूरी नहीं कि हिरण्यकश्यप का लड़का होगा तो हिरण्यकश्यप ही हुई, कहो ऐसा लड़का हो जाए, कहो अपने बाप के मर्यादा गिरा दे, हैं का कोई जरूरी है। इंद्र ने नारद जी की बात मान लिया, इंद्र ने नारद जी की पूरी बात सहमति कर लिया। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया, सुन लो भैया, धीरे धीरे समय बीतता गया। जब समय आवा तो भैया हिरण्यकश्यप के घर में एक बालक ने जन्म लिया। ललन ये को जन्म्यो बाजे बधैया, ललन ये को जन्म्यो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, को जन्म बाजी बधैया। नंदी आई गई छठिया धराए रही, छटिया धरौनी अरे मंगती रुपया, ललन को ललन को जन्म बाजी ब।
हिरण्यकश्यप के घर में बेटा जन्म लिया। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे के जन्म में बहुत उत्सव मनाया। गौर से सुन लो, लड़के बच्चे का जब जन्म होता है तो मुंडन संस्कार, तमाम रिश्तेदार, अंडारा भंडारा संडारा क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि मेरे बेटे का भविष्य बिगड़ा हुआ बन जाए और हमारे घर का इसी बहाने नंबर दुई का पैसा निकल जाए, है ना? ये सब बहाना होते हैं। अब देखो, हिरण्यकश्यप की राजगद्दी में कभी राम का नाम नहीं लेता है, लेकिन बेटा जब जन्म लिया तो संतों ने इसका, अब हिरण्यकश्यप ने इसका नाम रखा प्रहलाद। प्रहलाद धीरे धीरे सयाने होने लगे। हिरण्यकश्यप ने अपने नाम का एक इंटर कॉलेज बनवाया, छपरा कॉलेज। एक विद्यालय बनवाया। इस विद्यालय के प्रबंधक हैं संडामर्क बाबा। बाबा का नाम है संडामर्क। हिरण्यकश्यप के गुरु थे, एक ब्राह्मण थे, इनका नाम था शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य को भगवान से बहुत बड़ी है दुश्मनी। राक्षसन के गुरु आए शुक्राचार्य। राक्षस जतने सबके गुरु शुक्राचार्य भी, और ये बद भगवान उनकी आंख भरवाए डारी रहन। बल लंबी कथा है। संडामर्क प्रबंधक जी से कहा, ऐसा करो प्रबंधक जी, किसी के नाम की किताब नहीं पढ़ना है, केवल बच्चों को हमारे नाम की किताब पढ़ाओ और बच्चों के ऊपर ऐसा रंग चढ़ा दो कि जतनी हमारी राज में सब हम है भगवान मान बैठे। होने लगी पढ़ाई विद्यालय। विद्यालय खुल गया, पढ़ने लगे भैया बच्चे सब। एक दिन प्रहलाद भक्त लिए विद्यालय पढ़ने जा रहे थे भैया। रास्ते में है या कब कुम्हारी नहीं लगाया आवा, जिंदगी पता नहीं कहां से ने मुड़ जाए, कहां से ने बिगड़ जाए, इका कोई पता नहीं। पल में परले क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं जिंदगी कहां से ने बिगड़ जाए, कहां से ने मुड़ जाए। राम जी पैदा नहीं भे, वाल्मीकि बाबा ने रामायण की रचना 500 वर्ष पहले किया था।